दोस्तों, भाइयों और उनकी बहनों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और यार, अब पड़ गई है कॉलेज की छुट्टी है, तो होली की छुट्टी है, तो इसलिए अभी हम लोग हैं घर पे। तो मैं दिखाता हूँ घर पे क्या क्या हो रहा है। अभी तो घर पे भी एक इंस्टीट्यूट चल रहा है बच्चों को पढ़ाने का, और वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे बच्चे पढ़ते हैं हमारे घर पे, कितने कितने टैलेंटेड बच्चे पढ़ते हैं। तो आइए मिलते हैं अपने घर के बच्चों से, मतलब जो हमारे घर में पढ़ने आते हैं उन बच्चों से मिलते हैं। आइए। हो रही है पढ़ाई अरबी की। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? उला? उमरा? एक उमरा हमारे घर पे ही पढ़ने आती है, एक उमरा और है जिसको हम जानते हैं, और एक ये है। तेरा नाम क्या है? हैं? तौसीब। तो सही से बताना यहाँ देख के। और ये है ताजीम। ताजीम। और ये लली, तेरा नाम क्या है? गिरजा। क्या नाम है? हिफ्जा। अच्छा, माशाल्लाह। और ये है हारिश। वालेकुम अस्सलाम। सही चल रही है तेरी पढ़ाई? और ये कौन है? ये लौंडा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तेरा? साकिब। और लली, तेरा क्या नाम है? सारिका। अच्छा, और ये लड़की का क्या नाम है? ये लड़की का, तेरा नाम क्या है? अलशिफा। और तेरा क्या नाम है? जैनब। और तेरा क्या नाम है बेटा? इशरा। एक इशरा और, एक इशरा और है हमारे कॉलेज में, एक इशरा हमारे घर पे पढ़ने आती है। और ये लड़का बैठा है जो, ये बहुत बोलता है मगर आज नहीं बोलेगा, क्योंकि आज कैमरे के आगे है, आज इसकी बोलती बंद हो जाएगी। क्या नाम है तेरा? सारिक। सारिक, तो कुर्ता क्यों खा रहे आए? खाना नहीं मिला तुझे? बोलना, वैसे तो बहुत बोलता है। चलो ध्यान दो पढ़ाई में, सबक याद करो अपना। देखिए, हमारे घर के कुछ बच्चे बहुत ही क्यूट बच्चे हैं, और क्या बताऊँ, सही है, सब बढ़िया है। दोस्तों, आप लोगों ने देख लिए कैसे बच्चे हैं हमारे घर में जो पढ़ने आते हैं भाई। मस्त है, सही है, बढ़िया है सब। सारे लोग अपने जा रहे हैं कुछ दोस्तों से मिलने के लिए। दोस्तों से क्या, सुअरों से मिलने के लिए जा रहे हैं, जो कि मिलेंगे नहीं। आजकल ज़्यादा बिजी रह रहे हैं दोस्तों। और ये हमारे यहाँ की मस्जिद है, माशाल्लाह, बहुत ही ब्यूटीफुल मस्जिद है, खूबसूरत। यहाँ पर काम चल रहा है, ये इमामबाड़ा है। और ये हमारे यहाँ का चौक है। और ये भाई का ठेला फंस गया, निकालो। हम इनकी थोड़ी सी मदद कर दें। चलो चलो भाई, मदद करते रहना चाहिए। और ये हमारा बिहारी स्टेडियम है, जो कि अब बिहारी स्टेडियम नहीं रहा, क्योंकि बिहारी चाचा चले गए इस दुनिया से। और ये हमारी खड़ी है बिल्लो रानी। और ये हमारा गरीब खाना है। और ये दया चाचा आ रहे हैं बेचारे, कोई बोल देगा ना 90 साल के हैं जी, और ये 90 साल के हैं। ये खड़ी है गाड़ी फहीम की, और ये फहीम का घर है। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपना ब्लॉग अपलोड करने के लिए, और यार बस फटाफट 1000 सब्सक्राइबर करवा दो मेरे। सौरभ जोशी ब्लॉग जैसे लोगों के इतने करवा दिए हैं यार, लुल लगता है बिल्कुल मुझे, लुल। दोस्तों, ये लौंडा देख रहे हो तुम, इसकी हंसी देखो, इसकी हंसी देखो।
देखो इसकी हंसी, ओए देखो देखो इसकी हंसी देखो लौंडे। और ये अजरी जनसेवा केंद्र, यहाँ पर आप आके कुछ भी ऑनलाइन कर सकते हैं, हर काम। सादिक भाई बताओ कौन कौन से काम ऑनलाइन हो सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग आए थे यहाँ पर किसी जरूरी काम से, और वो जरूरी काम क्या है वो सादिक भाई बताएंगे। यहाँ पर हम मैं क्या करने आया सादिक भाई, यहाँ पर क्या करने आया हूँ मैं, बता बताऊँ क्या बताऊँ, स्क्रिप्ट क्या है स्क्रिप्ट नहीं मतलब क्या करने आता हूँ मैं यहाँ पर, रोजे बता। ब्लॉग अपलोड करने आता हूँ मैं, जियो की वाईफाई, जियो का डाटा, जियो के हराम से मैं करता हूँ गाइस ब्लॉग अपलोड। फ्री में काम हो जाता है, बस 1 किलोमीटर मुझे चल के आना है, और अनलिमिटेड एमबी, अनलिमिटेड एमबी है, कितना भी खर्चा करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी कल हम लोग जाएंगे घूमने के लिए, वहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको कैसे मज़े करते हैं हम लोग। ये लौंडा भी जाएगा मेरे साथ, दिख रहा है नेपाली अपना, ये भी जाएगा कल से, मैं लेके जाऊँगा कहीं ना कहीं। और वो लौंडा बैठा है देखो गम में, ये तो बेचारे को गम सता गया है, पता नहीं कौन सा गम है इसे, बाबू सोना का गम है इसे, जाने कौन सा गम है इसे। भाइयों और उनकी भाइयों और बहनों यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट वमेंट करते रहा करो, जो भी गलती है या जो भी कोई चीज़ अच्छी लगी तो वो बता दिया करो, जिससे आगे सुधार सकें हम खुद को, ठीक है। और कंटिन्यू ब्लॉगिंग रखना है, पब्लिक कह रही है कंटिन्यू ब्लॉगिंग रखो। एलवेश यादव का फ़ोन आया था, बोले भाई ब्लॉगिंग अच्छी कर रहे हो, कंटिन्यू रखो ब्लॉगिंग। एलवेश यादव हमारे पड़ोस का, एलवेश यादव वो नहीं जो स्टार है, वो बहुत बड़ा आदमी है।